ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। बेमित्रा जिला के जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कोदवा के सरपंच और सचिव पर 15वें वित्त की राशि के गबन का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ पर शिकायत की है। ये मामला बेमित्रा जिला के दाढ़ी तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कोदवा और उसके आश्रित गांव सुरुगंधारहारा का जहां के सरपंच का है, जहां पर सरपंच और सचिव पर ग्रामीणों ने आरोप लगाए कि स्वच्छता के नाम पर 15वें वित्त की राशि का गबन किया गया है। 2021 से लेकर 2024 तक 45 लाख रुपए विभिन्न कार्यों के लिए आए थे, जिसमें से एक रुपए का भी काम नहीं हुआ है। इस शिकायत पर कलेक्टर रणवीर शर्मा ने जिला पंचायत सीईओ को जाँच के आदेश दिए हैं। कलेक्टर साहब के पास में जो 15वीं वित्त का जो पैसा आता है हमारे पंचायत में, उसका सही जगह उपयोग नहीं किया गया है। और ऑनलाइन जब हम लोग उसको चेक किए हैं, आजकल जो पंचायत ऐप करके जारी किए हैं सरकार के द्वारा, उसमें जब चेक किए हैं तो जितना भी पैसा जो फंड में आया है वो सरपंच के नाम से आया है कि उसका फर्म है या कोई दुकान है, बाकी ऐसा उसका ना कोई दुकान है ना कोई फर्म है। तो पूरा पैसा वो उसके खाते में गया है। हमारे गांव में आप आके देखिए, एक भी बोरिंग जो है वो संचालित नहीं है, क्योंकि पानी का स्तर नीचे है। उसको बनवाया हूँ, ये करवाया हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है हमारे गांव में। पूरा पैसा निकाल के वो डकार गए हैं। कौन है सरपंच? हमारे गांव का सरपंच है हेमलाल चंद्राकर। ग्राम पंचायत के ग्रामीण मेरे पास आए थे, उनका कहना था कि 15वें वित्त की राशि को नियमानुसार नहीं खर्च किया गया है। तो मैंने सीओ जिला पंचायत को निर्देशित किया है कि इसमें जांच करें और संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई करें। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।